भगवती लक्ष्मी का स्वरूपाणि। अपृथगभूत शक्ति त्वाद ब्रह्माद्वैत तदुच्यते तस्य या परमा शक्ति ज्योत्सनेव हिमदीदीते सर्वावस्थागता देवी स्वात्मभूतान पायिनी अहंता ब्रह्मण स्तस्य साहमस्मि सनातनी आत्मा स सर्वभूतानां महाभूतो हरि स्मृत अहंता सर्वभूतानां महाअस्मि सनातनी येन भावेन भवति वासुदेव सनातनः भवतस्य देवस्य स भावो अहमिति रिता भवद भावात्मकं ब्रह्म ततस्तच्छाश्वत पदं भवन्नारायणो देवो भावो लक्ष्मीरहं परा लक्ष्मीनारायण ख्याता मतो ब्रह्म सनातनम् अहंतया समा क्रांतु अहमर्थ प्रसिद्यति अहमर्थ समुत्ता च साहंता परिकृतिता अन्योन्या ना विना भावाद अन्योन्येन समन्वयात् तादात्मविधि संबद्धमं नारस्थ च उभयो अहंतया विना हि निरुपाख्यो न सिद्ध्यति अहमथ विना हंता निराधारा न सिद्ध्यति भवद भावात्मक रूप समस्त व्यस्त गोचरं परोक्षम अपरोक्षम च जगति प्रविच्यन्त्यति निरुन्मेषे निरुन्मेषा साहंता परमेश्वरी क्रोढीकृत्याखिल सर्व ब्रह्मणि व्यवतिष्ठते उन्मेष तस्य यो नाम यथा चंद्रोदये अम्बुधे अहम नारायणी शक्ति श्रीशूक्षालक्षणा तदा निमेष तस्य यो नाम सहतो परमात्मना अहम नारायणी शक्ति सुषुप्सालक्षणा ही सा श्रीशूक्षाया ममोदंत्या देवालक्ष्मीपते स्वयं। हिंदी अनुवाद। परमात्मा से उनकी शक्ति जब तक पृथक नहीं होती तब तक वह अद्वैत ब्रह्म कहलाता है, अर्थात वह अद्वितीय रहता है। उसकी जो परमा शक्ति है वह चंद्रमा की चांदनी के समान उससे पृथक नहीं है। जो चंद्रमा है वही चांदनी है, जो ब्रह्म है वही शक्ति है, जो चांदनी है वही चंद्र है, जो शक्ति है वही ब्रह्म है। जिस प्रकार चंद्रमा और चांदनी भिन्न नहीं है उसी प्रकार ब्रह्म और शक्ति भिन्न नहीं है। शक्ति की स्थिति शक्तिमान से पृथक नहीं होती, सभी अवस्थाओं में रहने वाली देवी आत्मस्थिता होती है। वह अनपायनी अर्थात अनश्वर है, स्थिर है, कभी हटाने वाली नहीं है। जो ब्रह्म की अहंता है वही सनातनी लक्ष्मी वही सनातनी शक्ति में लक्ष्मी रूप वाली हूँ मैं ही। राम के साथ सीता और कृष्ण के साथ रुक्मणी के रूप में अवतरित होती हूँ। समस्त प्राणियों में रहने वाला अहम्भूत जो आत्मा है उसे ही श्री हरि विष्णु कहते हैं। आत्मा परमात्मा में भेद केवल अंश अंशी मात्र का होता है, वह श्री हरि से भिन्न नहीं होता। समस्त प्राणियों में जो अहंता है वही मैं भी सनातनी अविनश्वर हूँ। जिस भाव से वासुदेव सनातन कहे जाते हैं उसी देव के भाव से मेरा भी वर्णन किया जाता है। आदरणीय अस्तित्व वाले जो नारायण देव है उसमें जो भाव निहित है वही भाव स्वरूप में परादेवी लक्ष्मी हूँ, मेरे बारे में ऐसा ही वर्णन है। लक्ष्मी नारायण सनातन ब्रह्म है यह मत विख्यात है। मुझ श्री से युक्त परमात्मा को ही ब्रह्म कहा गया है। श्रीहीन परमात्मा को ब्रह्म नहीं कहा जाता है क्योंकि श्री शक्ति है। सद्गुणों में शक्ति प्रधान गुण है। अहम से सम्यक उत्थान जिसका होता है उसी को अहंता कहा जाता है। अन्योन्य के अविना भाव से अन्योन्य का समन्वय होता है, अर्थात एक का अस्तित्व दूसरे के अस्तित्व पर निर्भर रहता है। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं होता। मुझ लक्ष्मी का मेरे नाथ नारायण विष्णु से तादात्म्य संबंध है।
विष्णु का भी मुझसे तादात्म्य संबंध है। तादात्म्य का अर्थ जो विष्णु है वही लक्ष्मी है और जो लक्ष्मी है वही विष्णु है। अहंता के बिना निर्विशेष सिद्ध नहीं हो सकता। संसार में वस्तुओं का अस्तित्व सिद्ध विशेष है, उनमें निर्विशेषता नहीं होती। अहम अर्थ के बिना अहंता का कोई आधार नहीं होता, नहीं वह सिद्ध होता है। भवद भाव के स्वरूप वाला समस्त पृथक पृथक इंद्रिय गम्य है, स्पष्ट दिखलाई पड़ता है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिनका चिंतन किया जाता है उनके निरुन्मेष में जो निरुन्मेषा अहंता है वही परमेश्वरी मैं लक्ष्मी हूँ। यह सब उस ब्रह्म की गोदी में संस्थित होकर व्यवस्थित रहा करता है, अर्थात विश्व में जो कुछ भी अस्तित्व में है वह सब ब्रह्म के अंदर ही है, उससे पृथक किसी का अस्तित्व नहीं है। उसका अर्थात ब्रह्म का जो उन्मेष होता है वह समुद्र में दिखलाई पड़ने वाले चंद्रोदय के समान होता है। वस्तुतः चंद्रमा आकाश में उदित होता है, लेकिन सागर तट पर खड़े होकर सागर में देखने वाले को लगता है कि चंद्रमा समुद्र में उदित हुआ है। यहाँ पर ब्रह्म आकाश स्थित चंद्र के समान है और सागर में उदित चंद्र इस सृष्टि के समान है, अर्थात मिथ्या है ब्रह्म ही। ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, वेदांत अद्वैतवाद का यह सिद्धांत है। ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या ब्रह्म है। सृजन करने की इच्छा जब श्री नारायण की होती है तब मुझ नारायण लक्ष्मी का उन्मेष होता है। परमात्मा नारायण को जब सहार प्रलय करने की इच्छा होती है तब मैं उनकी निमेश शक्ति के स्वरूप हो जाती हूँ। मैं नारायण की वह शक्ति हूँ जो उनकी सुसुप्तावस्था में रहती हूँ और मुझे योग माया के नाम से जाना जाता है। देव लक्ष्मीपति स्वयं मुझे सृष्टि के लिए उत्प्रेरित करते हैं।